देखिए बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है या उनकी जो संधि जिसने करारदाद पास की वो एक करारदाद है जो मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट भी हो जाती है, तो उसमें कोई ऐसी उनके ऊपर पाबंदी तो नहीं है कि इसके काबे नहीं है। और फिर जो करारदाद है उसमें अगर एक आध महीने की डिले की बात है, एक डेढ़ महीने की, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन हमेशा के लिए पोस्टपोन कर दें, तो ना तो उसकी कानूनी पाबंदी है कोई इलेक्शन कमीशन पे और ना ही वो उस नौयत की है जहां वो उनके अपने खदशात हैं जिनको रद्द किया जा सकता है। अगर उनको बहुत ही कोई इस पे ज्यादा खदशा होता शायद अदालतों में रजू करते तो वो तो उन्होंने किया कोई नहीं। असल किस्सा जो है ना इनमें सारा बलूचिस्तान असेंबली का नहीं है, असल प्रॉब्लम जो है वो सारी ये है जो हल्का बंदियों वाली है, और हल्का बंदियों का किस्सा जो है ये इलेक्शन कमीशन के दरमियान और अदालतों के दरमियान है। इलेक्शन कमीशन को इस पे रिएक्ट करना चाहिए, ये मैं बिल्कुल इस चीज को तस्लीम करता हूं कि इलेक्शन में डिले नहीं होनी चाहिए, और डिले अगर ये किसी टेक्निकल वजह से होती है तो वो भी हफ्ता 10 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इनको ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करवाना चाहिए, अदालत में वो भी जाए वापस इसके फैसले के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, और उनको कह सकते हैं कि जी इससे हमारा पूरा निजाम तलपट हो जाएगा और इससे हमारे इलेक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, लिहाजा हमें इजाजत दी जाए कि हम इनको जो फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने किया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन के बारे में उसको स्टिक किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वहां से इनको मिल जाएगा ओके, और इलेक्शन वक्त होने चाहिए, कोई ऐसी क्राइसिस मुझे नजर नहीं आती। जहां तक ताल्लुक है जैसे सालिह जाफर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल उनके खदशात है, जब भी मैंने देखा है कि पिछले 5 सालों में जब भी काले कर्तूत छुपाने होते थे तो सिविल मिलिट्री खाता खोल दिया जाता था, वो आए दिन तक कुछ नहीं निकला उसमें से, और बड़ी सीधी सी बात है कि काले कर्तूत जो है उनसे तवज्जो हट जाने से आपके डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, डेमोक्रेसी आपकी बेहतर नहीं हो सकी। अगर डेमोक्रेसी ठीक करनी होती हमने तो हम जरूर लोगों की परफॉर्मेंस का जिक्र करते, उनकी जो 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 मुल्क के साथ हुआ है जो कुछ हो रहा है हम उसकी बात करते, हमने उसकी बजाय हर इशू पे यही किया कि जी वो शायद बैतुल खलाई मखलूक की तरफ से एक इल्जाम आ गया कि जी खलाई मखलूक ये कर रही है, किसी की तरफ से और कुछ आ गया, ये चीजें जो है ये मुल्क के मफाद में नहीं है। अपने काम को देखें, उसको बेहतर करें, और इस चीज में भी हल आपके पास अदालत का है, आप अदालत पे जाएं और सुप्रीम कोर्ट को जाके ये इलेक्शन कमीशन अपना किस्सा पेश करे, अपील करे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और वहां से थ्रू कराए।